बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ सिंगवेरपुर के रामायण मेले में। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा है, हर साल लगता है रामायण मेला। तो हम लोग रामायण मेले में आए हुए हैं और चलिए मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलते चलते मुझे रास्ते में एक प्यारा सा ये कैट दिखा है जो मैंने खरीद लिया है और इसी के साथ मैं घूम रहा हूँ और ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है और इसको मैं अपने घर ले आया हूँ। आप लोग मेरे अन्य वीडियो में देख सकते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ये। और चलिए बताते हैं कि कौन कौन आया है। तो मैं आया हूँ और ये मेरी भाभी हैं, भाभी भी आई हैं मेला घूमने, ये मेरी मम्मी हैं। तो हम तीनों लोग आए हैं मेला घूमने और मेरी और भी भाभी लोग हैं, तो चाची लोग हैं, सब लोग मेले में पहले से आई हुई हैं। तो हम लोग यहीं पर उनसे मिलेंगे। तो मेला इधर है, चलिए पहले आपको पूरा मेला घुमाते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और ये मेला लगभग एक हफ्ते तक लगता है, कई दिनों तक लगता है। और इसमें रात में बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, फॉरेन से भी लोग आते हैं घूमने। तो चलिए पहले मैं आपको पूरा घुमा देता हूँ, फिर आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि ये मेला कितना बड़ा कितना भव्य होता है। और देखिए यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। अब हम लोग मेले के अंदर आ चुके हैं। इधर यहाँ पर आंटी हैं, चाट वाट बना रही हैं। यहाँ पर जूस कॉर्नर है और पीछे आप लोग देख सकते हैं झूले वूले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये तो सिर्फ यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, मतलब यहाँ छोटे बच्चे आते हैं झूलना झूलते हैं। और ये मेरे भाभी का लड़का आया हुआ है जो मुझे मिल गया है, तो मैं इसके साथ भी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत क्यूट लगता है मुझे और मेरे पास ही रहता है, किसी के पास जाता नहीं है, तो मैं इसके साथ भी वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बाद ये देखिए झूलना लगा हुआ है और इसमें मेरे भाभी की लड़की कृति बैठी हुई है, तो ये झूल रही है, तो हम इसका भी वीडियो बना रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए। और चारों तरफ देखिए इधर खादी भंडार लगा हुआ है, जिसको ख़रीदना है वो मेले में आके ख़रीद सकता है, अभी मेला कुछ दिन तक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ, देखते हैं क्या हो रहा है। भाभी मम्मी आगे आगे चल रही हैं, मैं पीछे वीडियो बनाते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं पहले पंडाल में कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और पंडाल का एंट्रेंस गेट तो काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है और काफ़ी अच्छे अच्छे म्यूज़िक भी सुनाई दे रहे हैं, मतलब कि प्रोग्राम अच्छे अच्छे हो रहे हैं, कुछ सिंगर्स आए हैं, बहुत बहुत कॉलेज से डांसर्स भी आए हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और चलिए दिखाते हैं आपको। तो मैं आ चुका हूँ पंडाल में और चलिए पहले आगे चल के आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितने ढेर सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पर ये गाना गाने वाले लोग आए हुए हैं, सिंगर्स आए हुए हैं। अब ये गायिका आ रही हैं, ये गाना काफ़ी अच्छा गाना गाएंगी, तो आप लोग खुद सुन लीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा बीच में बोल के।
भाभी मम्मी लोग को कुछ शॉपिंग करना था, तो हम लोग मेले के अंदर आ चुके हैं। तो ये भाभी मम्मी लोग कुछ शॉपिंग कर रही हैं, उनको जो ख़रीदना है। और मैं हमेशा की तरह से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था। जो मुझे ख़रीदना था वो मैंने स्टार्टिंग में ख़रीद लिया था, वो क्यूटी कैट। और उधर सिंगवेरपुर गंगा जी हैं, उधर सब लोग गंगा स्नान करने जाएंगे सुबह। तो अभी सारे कार्यक्रम ख़त्म हो चुके हैं और अब होगा नौटंकी। तो अब हम लोग को घर जाना है, क्योंकि 11 बज चुके थे, 11:12। तो हम मम्मी और भाभी की मम्मी तीनों लोग घर जा रहे हैं। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।